हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं, शाम को 6 बजे आपके यूपी जीके की क्लास होती है और यूपी जीके हम लोगों को सॉल्व करना है ना। इसके पहले आपके देखिए जो सीरीज आपकी कंटिन्यू चल रही है, आप लोग लगातार इस सीरीज को देखते रहिए। बाद में आपकी मैराथन क्लासें होंगी तो उनको आप लोगों को देखना है। चलिए, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। आवाज़ वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। हर हर महादेव, गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, खुश रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, शाकंभरी देवी मेले का जो आयोजन होता है वो आपकी कहाँ पर होता है? चलिए बताना है कि शाकंभरी देवी मेले का जो आयोजन होता है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है, बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से करिएगा। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो हमने कहा था सासे शाकंभरी और सासे सहारनपुर। तो याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सहारनपुर में आपका होता है। और यह मेला साल में 2 बार आयोजित होता है, ये भी याद रखना है, है ना। शायद पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे, याद रखिए जो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन है 1 साल में 2 बार होता है। और 1 साल में 2 बार कब होता होगा, याद रखिए एक तो आपके नवरात्रि में होता है, ठीक है, नवरात्रि में होता है, और एक आपका जो होता है वो आपके होली के दौरान होता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका शाकंभरी देवी मेला है ये सहारनपुर में होता है और साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, याद रखिए शाकंभरी देवी का जो मंदिर है वो जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां पर बना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर बिरह है, कजरी है, रसिया है, लेकिन आपका जो ढोरा मारू है ये नहीं है। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर, आपका राइट हो जाएगा, और ये राजस्थान का आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? बताना है कि कथक कलाकार इनमें से कौन नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए किशन महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं और आपकी सितारा देवी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी ये कथक कलाकार हैं, लेकिन जो आपके किशन महाराज आपके हैं, याद रखिए ये आपके कथक कलाकार आपके नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर किशन महाराज का संबंध किससे है, तो भैया ये बनारस घराने से हैं और ये एक भारतीय तबला वादक थे, ठीक है। तो जो किशन महाराज हैं ये बनारस घराने से हैं और ये तबला वादक हैं, याद रखिएगा तबला वादक बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन है जो बुंदेलखंड का लोकगीत है? चलिए बताना है कि बुंदेलखंड का जो लोकगीत है इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर बुंदेलखंड में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आहला है, आहला ये आपका बुंदेलखंड का आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिए डी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो हमने कहा था संगीत शिक्षा का पहला विश्वविद्यालय यही था और इसको डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया था, ये 2001 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2001 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? चलिए बताना है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं भीमसेन जोशी और इनका जो संबंध है वो आपकी किससे है, लखनऊ घराना, रामपुर किराना या बनारस? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो सी हो जाएगा, ये किराना घराने से आपके संबंधित हैं, याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भीमसेन जोशी जो कि एक अपनी मधुर शैली के लिए जाने जाते हैं, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके भक्तिपूर्ण अर्थात जो भजन है और अभंगों के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हें गायन और हारमोनिया का प्रशिक्षण एक कह सकते हैं दिया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा कि आपकी जो भीमसेन जोशी हैं इनको सन 2008 में, याद रखिएगा, भारत का जो रत्न है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म भूषण भी इनको दिया गया है 1975 में, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, बताना है कि जो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है आपके कहाँ का है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो चरकुला है वो आपके ब्रजभूमि से है, कहाँ से है? तो आप कहेंगे सर चरकुला जो आपसे है आपका है, ये चरकुला का संबंध कहाँ से है? तो आपकी ब्रजभूमि से है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और हमने कहा था कि जो चरकुला होता है ये महिलाएँ जो होती हैं अपने सिर पर लकड़ी के बहुत बड़ा एक गोलाकार पिंड होता है ना, और संतुलित करके कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं, है ना। होली के तीसरे दिन
मान्यता है कि राधा का जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो इस नृत्य में मनोरंजन, कला, अध्यात्म और परंपरा का समावेश होता है, याद रखिएगा, है ना। एक कहानी भी है कि राधा की जो दादी थी, है ना, राधा के जन्म की घोषणा के लिए अपने सिर पर चरकुला लेकर घर के बाहर दौड़ी थी, तब से चरकुला नृत्य का प्रचलन हुआ है। अब आप समझ गएंगे कि भैया जो चरकुला का जन्म हुआ है ना, जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, वो आपका अर्थ क्या है, ये कहाँ से आया, वो चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है। यहाँ पर बता सकते हैं कि भैया जो लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलाप ही इसमें योगदान नहीं दिया है, तो याद रखिएगा आपका दिया गया है बिंदादीन है, इलियास खां है, उस्ताद दुल्हे खां है, लेकिन जो मेहंदी आपके दिए गए हैं ये आपके लखनऊ घराने से नहीं संबंधित हैं, अर्थात लखनऊ के जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप है उसमें कोई योगदान नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। बताना है जो आपका राई लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से संबंधित है। राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश में किस एक क्षेत्र से है। तो दोस्तों याद रखिए इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। आप कहेंगे बिल्कुल सही जवाब है, बुंदेलखंड की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है, और यहाँ की जो महिलाएं हैं इस नृत्य को विशेषता श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है उस अवसर पर गाई जाती है। याद रखिएगा जो राय लोक नृत्य है वो बुंदेलखंड का है और कृष्ण की जयंती पर यह आपका मनाया जाता है। एक जनजाति है बेड़िया जनजाति, तो बेड़िया जाति की जो महिलाएं हैं वो आपकी करती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर इसमें जो महिलाएँ होती हैं सरसों की दानी की तरह झूमती हैं, यहाँ पर इसको मोर नृत्य भी कहते हैं। जो राय नृत्य है इसको मोर नृत्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह नृत्य जो है विवाह में भी होता है, पुत्र के जन्म के अवसर भी पर किया जाता है। बाकी अगर हम बात करें कि बुंदेलखंड के लोक नृत्यों में से जैसे बढ़ाई नृत्य है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपका बरेदी नृत्य है, सहरा नृत्य है, ये भी आपके यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए कथक से अगर हम बात करते हैं तो आपके ये शंभू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज जो आपके हैं वो आपके किससे हैं, कथक से हैं। बाकी देखा जाए ध्रुव तारा जोशी का संबंध आपकी कथक से नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य नहीं है इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो देखो हमने बताया था रास नृत्य है, चरकुला नृत्य है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया नहीं है। मुरिया जनजाति आपके झारखंड में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर ए राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। चलिए हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है और ये मनाई जाती है कहाँ पर मनाते हैं आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताना है, हरिदास जयंती की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर ए, वृंदावन में मनाई जाती है। वृंदावन इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, वृंदावन आपका आंसर है बन जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से हैं। इनायत खान का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है, तो इनायत खान या इसे इमदाद खानी घराना भी कहते हैं, है ना। तो इमदाद खानी जो घराना है इसे इटावा घराना कहते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, इटावा घराना भी इसे कहा जाता है और यह घराना आगरा के पास एक छोटे से शहर इटावा के नाम पर रखा गया है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे यहाँ पर इमदाद खान रहते थे और इनायत खान के पिता भी एक महान सितार वादक थे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो इनायत खान है इनका जो जन्म है वो 1894 में ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में आपका हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, चैता दिया है रुदेलखंड से, आहला दिया है बुंदेलखंड से है, बिरहा पूर्वांचल से है और कजरी दिया है अवध से दिया है। अब आप बताइए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है आहला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल है, कजरी आपका अवध क्षेत्र दिया है। तो आप कहेंगे जो चैता दिया है यहाँ पर बताना है चैता का संबंध कहाँ से है। तो भैया ये आपके रुहेलखंड से आपका नहीं है, याद रखिए इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और साथ में हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा, ऐप का नाम है देवजी के ट्रिक।
आप लोग प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर पहुँचकर आप यूपी जीके के देखिए 1000 क्वेश्चन भी होंगे आपके, देख सकते हैं कंप्लीट थ्योरी भी होगा, इसी में आपका यूपी का जो करंट अफेयर वो भी आपको मिलेगा, है ना। साथ में 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आपके इसमें रख दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में कंप्यूटर के भी 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 200 क्वेश्चन वो भी आपको मिलेंगे। साथ में जो सीरीज आपके दी पढ़ाई जा रही है लगभग 600 प्लस क्वेश्चन आपके होंगे, वो भी इसी में आपके ऐड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करके और भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। हमेशा से ये क्वेश्चन आपने पूछा है, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो आपका कजरी है। कजरी की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यह गीत आमतौर पर महिलाएं भोजपुरी भाषा में गाती हैं, है ना, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, तो हमने कल भी बताया था कि जो कजरी की उत्पत्ति है वो मिर्जापुर से मानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और कजरी गायन का प्रारंभ देवी गीत से ही आपका होता है, यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। देखिए ताज से हो गया आपका क्या, आप कहेंगे आगरा, और अगर बात करते हैं कि ये कौन से महीने में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ताज महोत्सव आपके फरवरी महीने में मनाया जाता है। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, फरवरी महीने मनाया जाता है ताज महोत्सव आगरा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना है होली जो आपकी है ब्रज क्षेत्र से दिया है, यहाँ पर नौटंकी आपकी हाथरस से है, बिरहा आपका देखिए पूर्वांचल से है ना कि कानपुर से है, कजरी का संबंध आपकी बनारस से है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चित्रकला के लिए मुगल शैली का आरंभ किया था, बताना है चित्रकला के मुगल शैली का आरंभ किया गया था, बताइएगा कि चित्रकला का जो मुगल शैली इसका आरंभ जो हुआ था किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका है हुमायूं, है ना, चित्रकला की मुगल शैली की जो शुरुआत है वो दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के समय आपकी हुई थी, जब हुमायूं अपने निर्वासन से लौटा था, है ना, यहाँ पर जब शेर शाह सूरी ने इसे भगा दिया था, है ना, 1540 में, और इसके बाद 1555 के बाद जब भारत में वापस लौटा तो अपने साथ दो प्रसिद्ध फारसी कलाकार लेकर आया था, एक था अब्द कह सकते हैं मसद और एक था मीर सैयद अली था, है ना। तो कह सकते हैं कि भैया आरंभ जो आपका है वो आपकी हुमायूं के समय आपका हुआ था, यहाँ पर आपको याद रख लेना है। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि जहांगीर के समय भैया ये चरम में आपका पहुँच गया था, ये भी नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कहाँ से है। तो दोस्तों याद रखिए इनका जो संबंध है वो आपके कहाँ से है, तो सोनिया जो आपकी ठुमरी गायिका हैं इनका संबंध आपके बनारस घराने से है, याद रखिए बनारस घराना आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। गिरजा देवी की ठुमरी की रानी भी कहा जाता है, ठीक है, गिरजा देवी, गिरजा ठुमरी गायिका जो गिरजा देवी हैं इनको ठुमरी की रानी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनका जन्म जो आपका हुआ था वो आपके 1929 में वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में आपका हुआ था, याद रखिएगा। और ख्याल और टप्पा गायकी में भी एक अपने अलग इन्होंने पहचान बनाया था। इनको देखा जाए तो आपका संगीत नाटक अकादमी पद्म भूषण कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 2017 में क्या हुआ, दिल का दौरा आया और ठुमरी गायिका यहाँ पर क्या हो गई, कोलकाता में इनका निधन हो गया था दिल के दौरा पड़ने से। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सुविख्यात चित्र दिया है सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने किया है। सुविख्यात चित्र है सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो की है किसने किया है। चलिए सत्यम शिवम सुंदरम की रचना है और इनका नाम है शिवनंदन किशोर या शिवनंदन नौटियाल, आप कहेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा कि भैया जो एक पेंटिंग है प्रसिद्ध पेंटिंग थी सत्यम शिवम सुंदरम, याद रखिए शिवनंदन नौटियाल की रचना है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है, बताना है कौन सा नृत्य है जो आपके बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, देखो ये बुंदेलखंड की बात कह रहा है और बुंदेलखंड की बात करते हैं तो ये आपका सैरा है, कौन है, सैरा है,
वहीं पर एक जवारा नृत्य होता है। क्या होता है? जवारा नृत्य होता है। और जवारा नृत्य जो आपका यमपी में आपका होता है, याद रखिए हार्वेस्ट नृत्य भी इसको कहा जाता है, जो फसल के उत्सव के रूप में मनाया जाता है आपकी यमपी में है ना। बाकी कुछ एरिया में देखा जाए बुंदेलखंड में भी होता है जवारा, लेकिन अगर पूछे डायरेक्ट यहाँ पर आपको बुंदेलखंड में आपका सहरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है लठमार होली मनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लठमार होली जो मनाई जाती है वो आपकी कहाँ पर मनाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ पर है? बरसाना में मनाई जाती है, जो कि मथुरा के आसपास जैसे बरसाना है, नंदगांव है, वहाँ पर मनाई जाती है। होली पर राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक आपका माना जाता है। देखा जाए तो इस त्यौहार को देखने के लिए यहाँ पर देश और विदेश से भी लोग आपके आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इस दिन पुरुष जो होते हैं सिर पर ढाल रखकर घुरनियों के लठ से बचाव करते हैं, जो मारती हैं डंडे से उसी क्या करती हैं, बचाव करती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? कबीर चौरा में जो जन्म हुआ दोस्तों बताना है यहाँ पर आपके हैं कौन, तो ये पंडित किशन महाराज हो जाएंगे, ऑप्शन बी बनेगा, पंडित किशन महाराज और पंडित गुदई महाराज। याद रखिए जो पंडित किशन महाराज हैं और एक और थे पंडित गुदई महाराज, ये दोनों प्रसिद्ध तबला वादक वाराणसी के कबीर चौरा में आपके जन्मे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक तबला की एक अलग पहचान इन्होंने दुनिया भर में अपना प्रचार किया है, जो आपके पंडित किशन महाराज हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो आपके 1923 में आपका हुआ था, है ना। और अगर वहीं बात करें कि जो गुदई महाराज हैं उनका जन्म आपके 1920 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। देखो बिरहा दिया है कन्नौज, हमने कहा ये पूर्वांचल का है, ये नंबर गलत हो गया। अमजद अली खां का संबंध सरोज से है, बिरजू महाराज कत्थक से है, आला जो आपका है वो आपके महोबा से है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका कथक है, है ना। क्या है? कथक हो जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पर कथक जो आपके उत्तरी मैदानों में आपका होता है, और कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। कहाँ से हुई? कथा से हुई है। कथक में जो नृत्य के जरिए किसी भी पौराणिक कहानी को पेश किया जाता है, ठीक है ना। और ये नाट्य शास्त्र में भी निहित है। यहाँ पर जो कथक है मुगल काल में दरबारी मनोरंजन के लिए इस्तेमाल ये आपकी की जाती थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है मेरठ में क्या क्षण है? मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ये है आपका नौचंदी मेला है। याद रखिए जो आपका नौचंदी मेला है यह एक रंगीन और आकर्षक मेला होता है, होली के कुछ दिनों के बाद ही यहाँ पर लगता है। मेरठ के एक गांव है बिजौली गांव, मिजौली गांव में ही होली के दिन एक अनोखी परंपरा का ये आयोजन आपका होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन बहराइच सुल्तानपुर बरेली जो आपका रायबरेली है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस क्षेत्र की बोली में आते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ये सब आपके आते हैं आपके औधी बोली में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति को पतवार राजपूत घराने से संबंधित माना जाता है? चलिए बताना है यहाँ पर दिया गया है निम्न से किस जनजाति को पतवार राजपूत घराने से माना जाता है? तो दोस्तों ये आपका है कौन, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बुक्सा जनजाति है, बिजनौर जिले में आपकी निवास करती है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस जनजाति समाज की मूल इकाई गोत्र, है ना, है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो मूल इकाई है वो गोत्र है, ये आपकी बुक्सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भैया निम्न जनजातियों में से किसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो प्रचलित है वो कौन सी जनजाति में है, इसका जवाब देना है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ चुका है जिसमें जनजाति संबंधित आपका है, तो इसको हम लोग अलग से नए टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। डेली क्लास हमारी होती है शाम को 6 बजे। बाकी हमने कहा है अगर आपसे ऐप से जुड़ना है तो हमारे ऐप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ पेड पीडीएफ भी हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।